स्टूडेंट्स क्लास सिक्स आई ई ओ वर्क बुक सॉल्यूशन ऑफ द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अगर आपको आई ओ में अचीवर बनना है गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल निकालना है तो डू वॉच दिस वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चन विद देर ऑप्शन ठीक है तो शुरू करते हैं पेज नंबर फाइव से नाउंस नाउन्स शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए डू यू नो वॉट अरस नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और एन आइडिया नाउन फाइव काइंड्स के होते हैं प्रॉपर नाउन्स जो किसी का नाम होते हैं कॉमन नाउन्स जो चीज़ें बहुत होती हैं कोई स्पेशलिटी उनकी नहीं होती है कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो कि ग्रुप का नाम होते हैं जैसे अ पैक ऑफ व पैक अ बीवी ऑफ गर्ल्स बीवी ठीक है तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते फील करते हो खाली यू कैन नॉट सी और टच दैम बट यू कैन ऑनली फील दैम ठीक है लाइक ऑनेस्ट्री ब्रेवरी काइंडनेस पोलाइटनेस ओके उसके बाद आते हैं मटीरियल नाउन सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर मटीरियल नाउन्स लाइक मिल्क वाटर शुगर डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस इसी के साथ शुरू करते हैं चूज अ नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप कुछ ऐसे होंगे तीन एक साइड के होंगे और एक अलग होगा नाउन रामायण नेम ऑफ अ होली बुक बाइबल नेम ऑफ अ होली बुक महाभारत नेम ऑफ अ होली बुक काशीपुर इज नेम ऑफ अ प्लेस सो द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट मैचिंग टू द ग्रुप इज काशीपुर सी ओशियन पानी का होता है रिवर पानी की होती है सी भी पानी का होता है हिल पर पानी नहीं होता तो ही हिल इज डिफरेंट हेयर राज एक बच्चे का नाम है इट्स अ प्रॉपर नाउन चाइल्ड हुड इज़ एब्सटेक्ट नाउन ब्रेवरी इज एब्सटेक्ट नाउन ट्रुथ इज एबेक्ट नाउन तो अलग हो गया कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन राज चूज द नाउन फॉर द नेम्स फॉर द होम्स ऑफ द गिवन एनिमल्स और भी एनिमल्स के हाउस के नेम आप लर्न कर लेना अपार्ट फ्रॉम दिस अ होल ऑफ एलिगेटर जहाँ एलिगेटर रहता है मगरमच्छ रहता है उसे होल कहते हैं डैश ऑफ एन एप एप होता है चिमपेंजी चिम्पेंजी जहाँ रहता है उसे नेस्ट कहते हैं ट्री पे रहता है ना डैश ऑफ अ रेड रेड के हाउस को होल कहते हैं डैश ऑफ अ डोव डोव क्या होता है डव होता है वाइट कलर का पिजन उसके नेस्ट उसके शेल्टर उसके घर को कोट कहते हैं डैश ऑफ अ फॉक्स फॉक्स की जो बिल होता है उसे डेन कहते हैं डी ई एन डेन ए ऑप्शन डैश ऑफ पिक पिक के घर को वैसे स्टाई कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है एस टी वाई स्टाई और उसे पेन भी कहते हैं पी ई एन पेन ये आपके पेन वाला नहीं है इसकी हाउस वाला है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन देखते हैं अब इसमें कुछ कलेक्टिव नाउंस पूछे हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड बर्ड के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं और किसके ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं शीप ऑफ फ्लॉक ऑफ शिप शीप भी बोलते हैं लिटर ऑफ पप्स मीनस लिटर ऑफ पपीज होता है लिटर किसी और के लिए भी यूज होता है वो होता है पिगलेट्स के लिए पिगलेट्स होते हैं पिक के बेबीज अ कैकल ऑफ हाइनाज डैश ऑफ कहते हैं बी ए एन डी बैंड के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होता है वो होता है कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं एफ डबल ई टी फ्लीट देखिए शीप के कलेक्शन को फ्लॉक कहते हैं शिप्स के कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं स्टार्स के कलेक्शन को गैलेक्सी कहते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन डी पॉइंट पे आते हैं चूज द एबस्टेक्ट नाउन फ्रॉम फ्राम लिस्ट ऑफ गिवन नाउन तीन होंगे जो अलग होंगे और हमें एब्सटेक्ट नाउन को चूज करना है ब्रिलियंस स्टोन डेफर आपको पता है क्या होता है किसी को पता नहीं होगा मैं बताती हूँ हैफर होता है शीकाफ गा, गाय का जो बछड़ा होता है अगर वो फीमेल होता है तो उसे हैफर बोलते हैं और डचेस कहते हैं रानी को तो रानी तो कॉमन नाउन है हैफर भी कॉमन नाउन हो गया स्टोन भी कॉमन नाउन हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ब्रिलियंस नेक्स्ट पे आते हैं चैरिटी पाइप पाइप पानी वाला पाइप शिवर माने का फायर वैन माने आग बुझाने वाला इंसान तो चैरिटी इज अ एन एन एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इज नाउन हेयर लिबर्टी यानी कि आजादी आइलैंड जो समुद्र के बीच में जो टीला होता है कॉन्टिनेंट आपको पता ही कैथीडल होता है बड़ा वाला चर्च तो लिबर्टी इज एन नाउन हेयर लिबर्टी नाइनटीन का ए है ट्वेंटी में आप आइए यूथ यानी कि आपकी यंग एज जो होती है जवानी जिसे हिंदी में बोलते हैं वेस ओक हार ग्लास आर ग्लास भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे टाइम रिकॉर्ड होता है ओक पेड़ का नाम है वास एक पौधे फ्लावर पॉट को कहते हैं तो यूथ इज़ द नाउन हेयर थ्रिल यानी कि एक्साइटमेंट और दूसरा है पैकेट गार्डन एंजल तीन कॉमन नाउंस हैं इज द लेक नाउन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप नाउन ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट जो ब्रैकेट में गिवन है उसका टाइप देखेंगे कॉमन नाउन द लिटिल बॉय जम्प अक्रॉस द डैश ऑफ वाटर पडल ऑफ वाटर स्टॉगी ऑफ वाटर पूडल या वॉल आपको पता है जब थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढू में तो उसे पडल बोलते हैं पी यू डबल डी एल पडल आई एक्सप्रेस माई डीप डैश एट his मदर्स death. Anxious, मर्सी यानी कि दया एंशियस माने को जानने की इच्छा रखना लीलियंसी -ली माने मैंने उन पर दया कर दी sorrow माने दुख तो आपने क्या दिखाया किसी की डेथ पर सौर ट्वेंटी फोर्थ डैश वॉज अ ग्रेट किंग हु ऑलवेज be रिमेंबर्ड by द पीपल ऑफ आर कंट्री प्रॉपर नाउन सीता किंग राजपूत किंग नो सोल्जर किंग नहीं अकबर इस द प्रॉपर नाउन हेयर नेक्स्ट पे आते हैं ट्वेंटी फिफ्थ पे कलेक्टिव नाउन बताया डैश ऑफ प्लेयर्स प्लेयर्स की क्या होती है भाई बंडल होता है प्लेयर होता है पैक होता है क्या होती है प्लेयर्स की टीम सबको पता है चूज अ नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बैनियन नीम पीपल ये सारे तो पेड़ हैं हिबिस्कस क्या है फ्लावरिंग प्लांट ए और एन डैश ऑफ हॉर्नेट हॉर्नेट के ग्रुप को क्या कहते हैं हाइव मखियो के ग्रुप को हाइव कहते हैं द टेस्ट रिजल्ट हैव कॉस मच टेस्ट रिजल्ट जब आने थे उनसे क्या हो गई बहुत एंगजाइटी ड्रामेटिक ऑनेस्ट या लॉयल एंग्जाइटी हो गई सी ए इज द करेक्ट ऑप्शन अ डैश ऑफ जजेस जजेस के ग्रुप को क्या कहते हैं मॉब पैक बैंड या बेंच द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट बेंच ऑफ जजेस जहां पे वो बैठे होते हैं टेबल होती है बहुत सारे जजेस होते हैं तो बेंच ऑफ जजेस डैश इज काउंटेबल नाउन किस चीज़ को आप गिन सकते हो एप्पल को मड को सॉरी नॉट अकाउंटेबल एप्पल को गिन सकते हो हाँ बुक को गिन सकते हो येस yes. मड को गिन सकते हो मड माने मिट्टी प्लेन को गिन सकते हो पी एल ई प्लेन जी हाँ मड एक ऐसा नाउन है जिसे हम नहीं गिन सकते मड इज अनकाउंटेबल नाउ बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेर तो डोंट कन्फ्यूज के कन्फ्यूज़ यहाँ पे बेंच इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन तो ये हो गया है चैप्टर वन सक्सेना ट्यूटर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा प्रोनाउन सॉल्व करेंगे विथ फुल एक्सप्लेशन वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए बाय बाय